डियर स्टूडेंट्स चलिए हम लोग चलते हैं नाइन्थ क्लास के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ना शुरू करते हैं, जो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग जो न्यू चैप्टर मैथ्स में पढ़ना स्टार्ट किए हैं उसका नाम है पॉलीनोमियल। उसका नाम क्या है? पॉलीनोमियल। और हम लोगों ने पिछले दिन पढ़ा था कि पॉलीनोमियल क्या होता है, पॉलीनोमियल कब एग्जिस्ट करता है, पॉलीनोमियल कब होता है, पॉलीनोमियल कब एग्जिस्ट नहीं करता है, पॉलीनोमियल का डिग्री क्या होता है, पॉलीनोमियल का कोएफिशिएंट क्या होता है, इन चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। चलिए आइए आगे हम लोग पॉलीनोमियल चैप्टर के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 में जितने भी सारे क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। आइए आगे आते हैं पहले फर्स्ट नंबर पे। तो पहला में जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है जरा उस क्वेश्चन को देखते हैं। विच इज पॉलिनोमियल और नॉट, यानी कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं, यानी कि पहला का कुछ सवाल दिया है ए बी सी डी ऐसे करके, अब उसमें से हमें बोला जा रहा है कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो यहां पे जो पहला सवाल है क्या है सवाल जरा देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में है 4x² - 3x + 7। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल कब नहीं होता है, तो जब कोई वेरिएबल के पावर फ्रैक्शन में हो जाए या फिर माइनस में आ जाए तब वो एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, जो एक्स है वो पावर इसका ठीक ठाक है, दो है और एक है, तो इसलिए इसको आंसर करेंगे इट इज पॉलिनोमियल। इट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आगे आते हैं पहला का बी नंबर। पहला का बी वाला सवाल क्या था? तो y² + √2। अब देख पा रहे होंगे y² + √2। हम कल ये भी सीखे कि कोई भी वेरिएबल जो होना चाहिए वो रूट में नहीं होना चाहिए। तो यहां पे तो आप देख पा रहे होंगे रूट तो है। हम वहां पे कल सीखे कि कोई भी वेरिएबल का अगर रूट मिल जाए, रूट यानी कि पावर में 1/2 फ्रैक्शन, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। यहां पे देख पा रहे कि ये वेरिएबल थोड़ा ना है। वेरिएबल किसको कहते हैं? तो अल्फाबेट के लेटर को वेरिएबल कहा जाता है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि 2 क्या है, एक कांस्टेंट है ना, ये काउंटिंग नंबर है, तो इसलिए ये वेरिएबल तो है नहीं, सॉरी वेरिएबल नहीं है, यानी कि वेरिएबल तो यहां वाई है और वाई का पावर 2 ठीक ठाक है। कोई नंबर अगर रूट में हो उससे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए ये क्या है, इट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जरा सी पे आते हैं। पहला का सी नंबर क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन बोल रहे हैं, तो ये बोल रहा है 3√2 + t√2। अब देखिए यहां पे वेरिएबल कौन है? तो यहां पे वेरिएबल टी है, क्योंकि ये अल्फाबेट के लेटर में आता है, ए बी सी डी ई एफ जी में टी आता है। टी का क्या कर दिया यहां पे? रूट कर दिया। हम क्या पढ़े कि कोई भी वेरिएबल का रूट नहीं होना चाहिए, यहां पे रूट है, इसलिए बोलेंगे कि इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि यहां पे जो वेरिएबल है टी है उसका रूट है। ठीक है, इसलिए हम पूरा को बोल देंगे कि पॉलिनोमियल नहीं है। पहला का डी नंबर सवाल देखते हैं, ये डी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो डी नंबर यानी कि पहला का चौथा है y + 2y। देख पा रहे होंगे यहां पे हम ये भी बोले कि कोई भी वेरिएबल को आपको देखना पड़ेगा पॉलिनोमियल चेक करने के लिए। यहां पे वेरिएबल कौन है? x, सॉरी y, क्योंकि y y का यूज हुआ है, तो यहां पे वेरिएबल
वाई है। अब अगर वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में आ जाता है, मतलब पी बटा क्यू के रूप में आता है, वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। नीचे अगर वाई दिख जाए वो फिर भी वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग वैसे लिख सकते हैं, y का y लिख दिया, प्लस का प्लस लिख दिया, अब 2 का तो 2 लिख दिए, इंटू नीचे y है तो y को अगर ऊपर करेंगे तो y के पावर कितना होगा, माइनस वन। तो इसलिए हम क्या सीखे कि कोई भी वेरिएबल के पावर जो है निगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां निगेटिव है इसलिए हम बोलेंगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन है इसी का, x के पावर 10 y 3, यानी कि पहला का पांचवा सवाल, पहला का चार हो गया। चलिए e पर आते हैं, क्या सवाल बोल रहे हैं, x के पावर 10 y के पावर 3, 10 3 x के पावर 10 y के पावर 3 t के पावर 50, ऐसा करके कुछ सवाल है। ठीक है, अब बताइए कि क्या ये पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चंस को, तो क्लियर कट नजर आ रहा है कि यहां पे तो वेरिएबल x भी है, y भी है और t भी है। ये तीनों को क्या बोलेंगे हम लोग, वेरिएबल, तीनों वेरिएबल है। तो वेरिएबल के पावर सीधा सीधे नजर आ रहा है, 10 है, 3 है, 50 है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, इट इज पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे सभी पावर ठीक ठाक है और यहां पे तीन तीन वेरिएबल्स था तो हमें उसको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन में बोल रहा था कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल और किसको नहीं बोलते वो हम लोग सीखें। फिर क्या बोला, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन जरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि दूसरा में भी आपको टोटल चार सवाल है और इसमें आपको जो चुनना है, दूसरा का पहला, कि इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या होगा, यानी कि जितना भी सवाल दिया हुआ है, जितना भी सवाल दिया है उसमें से आपको क्या चुनना है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट। तो इस सवाल में एक्स स्क्वायर कहां है, तो एक्स स्क्वायर यहां है, इसके बगल में कितना है, तो वन छुपा हुआ है, तो इसलिए लिखिएगा हियर, यहां कोफिशियंट, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस वन, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साइन क्या है आगे, प्लस, और क्या छुपा हुआ है यहां पे, कुछ नहीं है तो वन। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा वाला को भी देखते हैं, इसमें बोल रहा है टू के पावर टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू, टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू। इसमें बताइए कि एक्स स्क्वायर कहां है, तो एक्स स्क्वायर यहां है, इसके आगे क्या है, माइनस, कुछ नंबर नहीं है यहां पे, दो नहीं है, चार नहीं है, तो क्या छुपा हुआ है, वन, इसलिए हम बोलेंगे हियर कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस है, एक्स स्क्वायर के पहले वाला साइन क्या है, माइनस, क्योंकि सवाल में बोला कि एक्स स्क्वायर का ही कोफिशियंट बताइए, तो जहां जहां एक्स स्क्वायर है उसको देखना पड़ेगा, तो यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, माइनस, माइनस लगा दिया, कोई नंबर नहीं है, आंसर करेंगे ऊपर, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना होगा, एक्स स्क्वायर का माइनस वन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका,
पाई बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। यहां पे आप बताइए कि हियर कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है। तो सबसे पहले आप यहां पे चीजों को देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के बगल में कितना है, एक्स स्क्वायर के बगल में पांच पाई बाई टू है और इसके आगे साइन क्या है, तो प्लस, यानी कि प्लस हमेशा एक्स स्क्वायर का ही देखा जाता है, इसके बगल में कितना है पाई बाई टू, तो इसका वैल्यू हो जाएगा प्लस में पाई बाई टू, या प्लस नहीं भी दे सकते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक और क्वेश्चन है, रूट टू एक्स माइनस वन, कितना नंबर क्वेश्चन, चार, रूट टू एक्स माइनस वन। अब इसमें आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सवाल में क्या बोला कि जहां आपको एक्स स्क्वायर दिखेगा वहीं से आप आंसर कीजिए, क्योंकि उसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन इस सवाल में तो आपको एक्स स्क्वायर दिख नहीं रहा है, तो जब ऐसे सवालों में एक्स स्क्वायर नहीं दिखे तो आप करेंगे कि नो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं कि हियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, जीरो है, क्योंकि अगर हमें एक्स स्क्वायर तो है या नहीं है, तो जब नहीं है तो उसका वैल्यू कितना, जीरो। तो इस तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन था। चलिए आइए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इस 2.1 एक्सरसाइज में। तो 2.1 एक्सरसाइज में हम लोग दो क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से ढंग से समझा, क्वेश्चन को किया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आपके पास किताब है तो जरूर क्वेश्चंस देखिए। 3 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखिए सवाल में क्या बोल रहा है कि आपको बाइनोमियल का एग्जांपल देना है, एक बाइनोमियल, बाइनोमियल का एग्जांपल देना है विथ डिग्री 35। ठीक है, समझिएगा बात को क्या बोल रहे हैं हम अभी बताने वाले हैं। एक है मोनोमियल विथ डिग्री 100, ठीक है, यानी कि आपको अपने से एग्जाम्पल देना है जो बाइनोमियल हो और मोनोमियल हो। बाइनोमियल और मोनोमियल ये सब क्या होता है, ट्राइनोमियल, जरा इन चीजों को हम लोग पहले समझेंगे। तो मोनोमियल उसे कहते हैं जिसमें एक ही टर्म्स लिखा हुआ है, जैसे हम सिर्फ एक्स लिखे, बस सिर्फ 100x² लिखे तो अकेला है, उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। 16x मोनोमियल, 15x³ मोनोमियल। लेकिन बाइनोमियल का मतलब दो टर्म्स होना चाहिए, जैसे 4+x^8, इसको बोलेंगे बाइनोमियल। हम बोलेंगे x^100+23x, यहां पे देख पा रहे होंगे एक और एक मिलके दो बन गया, इसी को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। अगर रहता x+2x तब यहां पे बाइनोमियल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तो जुड़कर 3x बन जाएगा और ये मोनोमियल हो जाएगा। तो बाइनोमियल हम उसको कहते हैं जो दो टर्म्स रहे वो कभी आपस में जुड़ नहीं पाए। देखिए ये कभी नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि यहां x है, यहां पे x^100 है, यहां x और x था इसलिए जुड़ सकता है, तो ये बाइनोमियल हो, सॉरी मोनोमियल हो गया। तो बाइनोमियल का मतलब जिसका दो टर्म्स, और डिग्री का मतलब सीखे हैं जिसका हाइएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 35। तो आपको दो ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें बाइनोमियल हो, मतलब उसमें दो टर्म हो और उसका हाईएस्ट पावर कितना हो, 35। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x+x^35। देखिए
बाइनोमियल भी हो गया, डिग्री 35 भी हो गया, क्योंकि डिग्री किसको कहते हैं, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यानी कि वेरिएबल का सबसे ज्यादा पावर, ठीक है। तो वेरिएबल का सबसे ज्यादा पावर का मतलब 35। अब फिर क्या बोल रहे हैं कि आप मोनोमियल का एग्जांपल दो, कितना डिग्री होना चाहिए उसका, 100। तो हम वाई के पावर 100 दे दिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मोनोमियल का मतलब एक ही होना चाहिए लेकिन उसका डिग्री कितना होना चाहिए, 100। तो ये तीसरा क्वेश्चन में समझ कर और खुद से भी कुछ से भी आंसर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही आंसर सही है, आप अपने तरीके से भी कुछ भी आंसर कर सकते हैं, बशर्ते बाइनोमियल होना चाहिए और डिग्री जो होना चाहिए वो 35 होना चाहिए। दूसरा सवाल में तीसरा का ही बोल रहा था कि आप मोनोमियल का एग्जांपल दीजिए जिसका डिग्री 100 है। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था। चलिए आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या बोल रहे क्वेश्चन, बोल रहे हैं राइट द डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब चौथा नंबर सवाल बहुत इजी है, इसमें बोल रहा है कि आप डिग्री को लिखिए, यानी कि जो चौथा सवाल दिया हुआ है उसका डिग्री कितना होगा, डिग्री कितना होगा, ठीक है। तो चौथा का जो पहला सवाल है वो जरा लिखते हैं, चौथा का पहला सवाल कितना है, 5x³ 4x² 7x, 5x³ 4x² 7x। अब यहां पे बोल रहे हैं कि इस सवाल में आपको बताना क्या है, तो डिग्री, चौथा जितना भी चौथा का सवाल है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो उसमें करना क्या है हम लोगों को, उस पॉलिनोमियल का डिग्री बताना है, यानी इसका डिग्री कितना होगा भाई। तो डिग्री का मतलब समझते हैं कि एक्स का ज्यादा से ज्यादा पावर कितना है, यहां पावर कुछ नहीं है तो एक माना जाता है, यहां पावर तो दिख रहा है एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 3, तो वेरिएबल तो एक्स होता है। तो जब भी डिग्री निकाला जाता है हम लोग क्या देखते हैं, वेरिएबल का पावर देखते हैं। तो यहां पे जो वेरिएबल का पावर है वो ज्यादा से ज्यादा कितना है, 3 है, आंसर 3 हो जाएगा। फिर चौथा का दूसरा सवाल कुछ इस तरीके से है, और 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका डिग्री कितना है, तो हम डिग्री देखने के लिए क्या बताया भाई, डिग्री देखने के लिए क्या बताया, तो डिग्री देखने के लिए बताया वेरिएबल, तो वेरिएबल वाई है, अब इसका पावर कितना है, 2, तो डिग्री हो गया 2। इसमें देखिए पावर 2 भी था, पावर 1 भी था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पावर कौन है, 3 है। तो हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हम लोग इसका डिग्री पहचानेंगे। थर्ड नंबर इज 5t माइनस रूट 7। अब इसका डिग्री कितना होगा भाई, इसका डिग्री कितना होगा, तो इसमें वेरिएबल कौन है, तो वेरिएबल टी है, अब टी के पावर क्या है, तो 1, टी के पावर 1, तो यहां डिग्री हो जाएगा 1, ठीक है। अब आगे आते हैं चौथा का चौथा सवाल पे, इसमें क्या बोल रहे हैं, सिर्फ 3 है, तो भाई हम लोगों को डिग्री निकालने के लिए क्या देखना पड़ता है, वेरिएबल देखना पड़ता है। तो क्या इस क्वेश्चन में जिसमें सिर्फ 3 दिया हुआ है वेरिएबल है, वेरिएबल तो नहीं है, तो जब वेरिएबल ही नहीं है तो डिग्री क्या होगा, तो यहां पर लिख दीजिएगा डिग्री बराबर 0। यहां पर कितना डिग्री है, 0, क्योंकि हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए वेरिएबल देखते हैं, और वेरिएबल बहुत सारा रहेगा तो सबसे ज्यादा पावर वाला आंसर होता है, लेकिन यहां पे तो कोई वेरिएबल नहीं था, तो जब कोई वेरिएबल नहीं रहेगा उसका आंसर क्या करेंगे, उसका डिग्री 0 हो जाता है। तो ये कुछ 4 का 4 क्वेश्चन था जो कि बहुत इजी था, हमें डिग्री चुनना था तो आंसर कर दिया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। देखिए
बोल रहे क्लासीफाई द लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है पांचवा क्वेश्चन कि आप जो है ना क्लासीफाई कीजिए, मतलब कि बांटिए या बताइए कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हम लोग तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल का जो टाइप्स होता है ना, वो तीन तरह का टाइप्स है, नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री। पहला का जो नाम है वो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा का नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और तीसरा का नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देख पा रहे होंगे कि पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स हैं, तीन टाइप्स, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अब लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल उसको कहते हैं जिसका हाईएस्ट पावर अगर वन रहेगा तो उसको हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में। अगर हाईएस्ट पावर एचपी का मतलब हाईएस्ट पावर, सबसे ज्यादा पावर अगर टू रहा उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पे अगर हाईएस्ट पावर अगर थ्री हुआ तब उसको हम बोलेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहां पे आप ढंग से समझ पाए कि अगर ज्यादा से ज्यादा पावर, हाईएस्ट पावर अगर एक रहा तो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर हाईएस्ट पावर दो रहा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर हाईएस्ट पावर तीन रहेगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। अब पांचवा क्वेश्चन ऐसा ही बोल रहे कि आप चुनो कि कौन लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक है। तो इसको चेक करने के लिए आप इन चीजों का याद रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीज पे ये डिसाइड होगा कि आखिर वो पॉलिनोमियल कौन सा है। तो अगर इन चीजों को आप नोट करना चाहते हैं आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये काम आने वाला है पांचवें वाले क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं पांचवा का पहला क्वेश्चन। पांचवा का जो पहला क्वेश्चन है, पहला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हाईएस्ट पावर कितना है, तो हाईएस्ट पावर देखने के लिए वेरिएबल देखिए, यहां पे वेरिएबल तो एक्स एक्स है। अब इसका पावर कितना है, दो, इसका पावर कितना है, एक, तो हाईएस्ट पावर कितना बना, तो यहां पे लिखिएगा हियर हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू टू। हाइएस्ट पावर कितना है, टू, सो इट इज कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, वैसे ही पांचवा का दूसरा तीसरा सवाल भी ऐसा ही है, जरा देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक्स माइनस एक्स क्यूब यहां पे देख पा रहे होंगे कि वेरिएबल कौन है भाई, तो एबीसीडी के लेटर में एक्स आया हुआ है। अब इसका पावर यहां पे कितना है, कुछ नहीं है तो एक, और यहां पे पावर कितना है, तीन, तो एक और तीन में कौन बड़ा, तीन, तो यहां लिखेगा कि हियर हाईएस्ट पावर इज थ्री, सो इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी कि जब पावर अगर तीन रहता है तब हम उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मुझे ये पूर्ण आशा और विश्वास है कि पांचवा का जिसमें सात क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आप सभी क्वेश्चंस को बना लेंगे। सब में काम यही करना है कि कौन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन लीनियर पॉलिनोमियल है और कौन क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो वैसे ही हम लोगों को आंसर कर देना होगा। तो आज के लिए आपको वक्त है कि पांचवा का जो बाद बाकी पांच छह क्वेश्चन है
आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्यूशन कीजिएगा और जरूर से जरूर हमें भेजिएगा। तो इसी उम्मीद के साथ आज के क्लास को यहीं तक एंड करते हैं, तब तक धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास।